शिवसेना सांसद संजय राउत द्वारा ईवीएम पर उठाए सवाल पर पलटवार करते हुए विधायक नितेश राणा ने कहा कि जिस समय प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से उनके 18 सांसद चुने आए थे, तब ईवीएम पर आक्षेप क्यों नहीं उपस्थित किया। उस समय उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा, जहां उन्होंने सवाल उपस्थित किया कि क्या उद्धव ठाकरे सरपंच बनने के लायक है क्या। इस समय विधायक नितेश राणा ने हलाल जिहाद के विषय में प्रतिक्रिया दी, जहां उन्होंने कहा कि हलाल पंजीकरण के पैसे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में उपयोग किया जाता है, जिसके चलते यूपी में हलाल प्रमाण पत्र देने वाली कंपनियों पर बैन भी किया गया है, जहां से दो कंपनियां महाराष्ट्र में ही है। माला काल जे ऐकायला मिळाले की इंडिया अलायन्स च्या बैठकीमध्ये ममता बॅनर्जी जी ने आणि अरविंद केजरीवाल जी ने खरगेंचं नाव पंतप्रधानांसाठी जाहीर केलं, मला विचारायचं आहे की उद्धव ठाकरेला ते मान्य आहे की नाही, यांनी जाहीर करावं। कारण का माझ्या माहितीअनुसार ते काल नाराज होऊन दिल्लीवरून निघून गेले। सरपंचाच्या लायकीचा माणूस आता पंतप्रधानांचे स्वप्न बघतोय, म्हणून ही माहिती खरी आहे का सांगावी त्यांच्या त्या संजय राजाराम राऊतनी की त्यांच्या अन्न पोपटाने। त्यांची अपेक्षा होती की माझ्या मला टिळा लावलं पाहिजे होतं, पण टिळा लावला खरगेला, म्हणून हा नाक रगडत रगडत निघून गेला दिल्लीवरून। म्हणून खरगेच्या नावाचं समर्थन उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा पक्ष करतो का हे अधिकृत पद्धतीने त्यांना विचार आणि उत्तर असेल तर मला आतमध्ये चिठ्ठी पाठवा। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया महागठबंधन के सभा के विषय में वक्तव्य किया कि महागठबंधन की सभा ममता बनर्जी और केजरीवाल ने खरगे का नाम प्रधानमंत्री के लिए जाहिर किया, जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे को पूछना चाहिए क्योंकि वह नाराज होकर दिल्ली से निकल गए, जिनके सरपंच बनने की ताकत ने वह आज प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। ये तंज भी उन्होंने इस वक्त कसा। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पे जो पैसा जमा होता है वो पैसा टेररिज्म में इस्तेमाल किया जाता है, हिंदू धर्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, लव जिहाद में इस्तेमाल, इसके बहुत बड़े सारे एविडेंसेस है। तो हमारा बोलना इतना ही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल के सर्टिफिकेशन पे बैन लाया है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी लाना चाहिए। इस बारे में मैं खुद इसके बारे में फॉलोअप करूँगा। दो इंस्टीट्यूशन, दो कंपनी जो ये हलाल सर्टिफिकेट देते हैं वो महाराष्ट्र की भी है, उस दोनों कंपनी के ऊपर बैन लगाना चाहिए, ऐसा खुद मैं सीएम और डीसीएम को लिखने वाला हूँ। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।